हेलो फ्रेंड्स, कुमुदनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा स्नैक्स नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिए। और कुछ टिप्स भी देना चाहती हूँ कि कुकिंग चैनल में कैसे चला रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने 4 से 5 ब्रेड ले लिया है और 200 ग्राम पनीर है, पनीर घर में ही बना लिया है। एक मीडियम आकार का प्याज ले लिया है और मैंने 3 हरी मिर्च काट ली है और थोड़े से 3-4 लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच अदरक है और थोड़ी सी हरी धनिया को भी मैंने काट के रख लिया था, और आलू भी है, छोटे आलू हैं जो 3-4 पीस है। अगर आप बड़े आलू लेते हैं तो 1 से 2 ही लीजिए, जितना आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ मैं 4 लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने आलू को पहले इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है जैसे आपको दिख रहा है। आलू कद्दूकस हो जाता है ना, तो उसमें लम्स नहीं पड़ते, गुठलियाँ नहीं होती, इसीलिए आलू को कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लहसुन की कलियाँ हैं जिनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ, या फिर आप इसको मिक्सर में या फिर चॉपर मशीन में चॉप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 कली है जिसको मैं इस तरीके से चॉप कर रही हूँ, और अदरक को भी चॉप कर लेंगे। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर मेरी तरह से ट्राई कीजिए, आपके घर में सभी लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पनीर जो मैंने लिया है, मैंने क्रस करने का सामान सब क्रस करके रख दिया। पनीर के अंदर 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाली है और 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डाला है और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 छोटा चम्मच हींग डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, तो बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैं एक बड़े बर्तन में इसको पलट ले रही हूँ ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, तो मोबाइल से ही मैं अपना ये वीडियो बनाती हूँ, अभी तक मैं कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि छोटे यूट्यूबर होते हैं जैसे मैं हूँ, तो हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए अभी हम लोग सोचते हैं कि कितना पैसा खर्चा करें, तो हिसाब से मैं मोबाइल से ही अपना वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है, और जो आलू का और लहसुन साथ ही में इसमें डाल दिया था मैंने, अदरक भी क्रश करके, तो उसमें चाट मसाला 1 चम्मच डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाल दिया है और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि तीखा मैंने लाल मिर्च पनीर में डाला है और यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ, और ये प्याज जो मीडियम आकार का मैंने काट लिया था, ये सब मिक्स कर देंगे। इतने से ही हमारा ये जो मसाला है स्टेप भरने का, ये बहुत ही चटपटा बन जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, और मैं ज़्यादा बर्तन भी आपको गंदा करना नहीं सिखा रही हूँ, बहुत ही कम बर्तन में ही आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से आप ये बना सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी सी मैं आलसी हूँ, ज़्यादा बर्तन गंदा होकर ज़्यादा मांजना पड़ेगा, तो कम बर्तन के हिसाब से मैं ये आपको बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये रेडी कर लिया है और कुछ ब्रेड के स्लाइस है, तो इस तरीके से एक बर्तन में मैं पानी ले रही हूँ। आप देखिए, पानी जितना भी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक यहाँ पे देना चाहती हूँ। जब भी आप मेरी तरीके से ब्रेड पकौड़ा बनाए ना, तो ब्रेड को लीजिए और पानी में डालिए, तुरंत इसको इस तरीके से पलट के निकाल लीजिए, उसमें छोड़िए मत, मतलब ब्रेड पानी के अंदर डाल के छोड़ना नहीं है, और तुरंत अपने हाथों से दबाना है, सिर्फ उसको फोल्ड नहीं होने देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप मेरी तरीके से ब्रेड पकौड़ा बनाए ना, इसको दबा दबा के पानी निकालें, और ये जो आलू का स्टेप था, इसको हाथों से या फिर पहले से इस तरह से थोड़ा सा फैला के रख ले और उसमें एक पनीर का क्यूब डाल दे, और उसको पहले आलू को ही गोल कर ले हाथों की मदद से, और फिर मोड़ते हुए आप अच्छे से उसको दबाते हुए, देखिए उसमें से और पानी निकल रहा है, दबाते हुए गोल कर ले, बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्के हाथ से दबाना है। ये देखिए किस तरीके से हमारा ये ब्रेड का पकौड़ा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपसे इस तरीके से नहीं बने तो आप उसकी किनारी काट लीजिए ताकि वो आपसे अच्छे से बन जाए। आप देख लीजिए, मैं ब्रेड को पानी में डुबाकर नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि पानी में डुबाकर छोड़ देंगे तो ब्रेड पूरी तरह से गल जाएगा, तो ब्रेड को हमको गलाना नहीं है, सिर्फ भिगाना है,
और देखिए इतने में ही ये बहुत पानी निकलता है, और हल्के हाथ से इस तरह से दबा देना है, ये अपने आप गोल हो जाएगा। हल्के हाथ से शेप देना है, आप जैसा भी शेप देना चाहे ना दे सकते हैं, लंबा भी चौकोन भी। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं आपसे फिर से बोलना चाहती हूँ, आप ब्रेड की जो सख्त वाली किनारी होती है ना उसको काट कर निकाल लीजिए, और मीडियम फ्लेम पे इसको तलना है। मैंने दो पीस डाला है और आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म है, हाई नहीं है फ्लेम, मीडियम फ्लेम है फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पे एक ट्रिक देना चाहती हूँ, जब भी आप मोबाइल से इस तरह की वीडियो शूट करें आप कैमरे को जूम कर दीजिए और बहुत दूर से ये वीडियो निकालिए, नहीं तो हीटिंग से आपका मोबाइल फट सकता है। तो मेरी इस ट्रिक का भी आप ध्यान रखिए, जो मैं साथ ही मैं आपको कुकिंग चैनल के वीडियो कैसे बनाते हैं ये भी बता रही हूँ। आधा मिनट तक हम इसको नहीं हिलाएंगे, आधे मिनट के बाद इसको हम हिलाएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये अपना कलर बदलना शुरू कर दिया है। तो ये ब्रेड पकौड़ा जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, या फिर कैटलेट बोलिए, शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो जूम करके बहुत दूर से बना रही हूँ। ये जो ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ इसको आप फॉलो कीजिएगा, और थोड़े से ही वीडियो निकालने के बाद मोबाइल दूर रख दीजिए और भी ठंडा होने दीजिए, और जब पक जाए तो उसका थोड़ा सा वीडियो निकाल के साइड में कर लीजिए। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं पक गया तो थोड़ा सा वीडियो निकाली हूँ, और दूसरा ये बेच डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रख दिया है, ठंडे तेल में ये नहीं बनाना है। तो देखिए बहुत ही चटपटा हमारा ये नाश्ता तैयार है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट कीजिएगा, और देखने में सुंदर, खाने में मज़ेदार ये ब्रेड पकौड़ा कैसा लग रहा है आपको? आलू और ब्रेड से बना हुआ टेस्टी ये नाश्ता, स्नैक्स की रेसिपी कभी भी आप बना के खा सकते हैं। इसकी आवाज़ सुनिए कितनी क्रंची है ये फ्रेंड्स। ऐसे टेस्टी नाश्ता आप कभी भी बना के खाइए, और सच बता रही हूँ जब भी आप बनाएंगे ना आपकी बहुत ही तारीफ होंगी, और देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बीच में देखिए पनीर किस तरह से दिख रहा है, तो फ्रेंड्स सच बताना आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करना आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मैं तो चली नाश्ता परोसने के लिए, मेरी ये वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।